पिछले कुछ समय से मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मेरे हाथों में दर्द रहना, पैर में दर्द रहना और हाथ सुन्न पड़ जाना, जिस वजह से मैं अपना कोई काम नहीं कर पा रही थी, ना घर का ना बाहर का, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी। मुझे उल्टी जैसा मन होता था, मैं बैठे बैठे मुझे ऐसा लगता था। डॉक्टर एनसी पांडे, नवीनचंद पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान करके प्रस्तुत हूं। आज जो पेशेंट का फीडबैक लेके आया हूं, तो इनसे मैंने काफी रिक्वेस्ट करा, तो पेशेंट फीडबैक देने के लिए तैयार हुई। इनको बहुत चक्कर आ गए थे, खड़े भी नहीं हो पा रही थी, हाथ में सुन पना था। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें मैंने कौन कौन सी दवाई दी हुई है वही बताया हुआ है, और साथ में इसके अलावा भी अन्य चीजें मैंने बता रखी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम आयशी रस्तोगी है। तो मुझे कुछ समय पहले से चक्कर आ रहे थे बहुत, और हाथों में दर्द होना, सुन्न पड़ जाना। मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होता था मेरा बहुत, और मैं बैठे बैठे मतलब ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ जाएंगे या वॉमिटिंग हो जाएगी, मुझे ऐसा फील होता था। इसके अलावा मेरी गर्दन में भी दर्द रहता था बहुत, हाथ सुन्न पड़ जाते थे, और इंसान लेटे तो कब तक लेटे, क्योंकि जो दिन भर के काम है वो नहीं कर पा रही थी, ना मैं नहा पा रही थी। मैं हाथ भी उठाती थी तो मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। अपने जो रोज़ के काम है वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी इस वजह से। तो मैंने अपनी ये सारी बातें अपने फ्रेंड को जाके शेयर करी, तो उसने मुझे साहस होम्योपैथिक में डॉक्टर एनसी पांडे जी से मिलने को बोला। तो मैं डॉक्टर एनसी पांडे जी से मिली, तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी कि मुझे चक्कर आते थे और उल्टी जैसा मन होता था, मेरे हाथ पैर सुन पड़ जाते थे, मेरे गर्दन में दर्द रहता था और मेरे कमर में भी बहुत दर्द रहता था, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं पाती थी, लेट भी नहीं पाती थी, और नहाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे डॉक्टर एनसी पांडे जी ने कुछ दवाइयों के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताया, और कुछ खाने पीने के बारे में बताया, और जिसकी मतलब दवाई खाने के बाद से मेरी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई। और उन्होंने मुझे फ़ोन कम यूज़ करने के लिए बोला, तो मैंने फ़ोन भी कम यूज़ करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने मुझे तकिया नहीं लगाने को बोला और कुछ एक्सरसाइज बताई, वो एक्सरसाइज मैंने की, तो उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक चक्कर आने बंद हुए, और जो मेरे कमर में दर्द रहता था वो भी ठीक हुआ, हाथ में सुन्न पड़ जाता था वो भी सब ठीक हुआ, और वॉमिटिंग का मन होता था वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। मुझे एक हफ्ते में ही फ़र्क दिखने लग गया उनकी दवाइयों से। तो एक महीने में मैं सर की दवाई खाने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गई। दवाइयाँ मैं अभी भी खा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो बस मैं साहस होम्योपैथिक और एनसी पांडे जी का धन्यवाद करूंगी कि उनकी दवाइयों से मुझे बहुत असर पड़ा, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ पहले से। सबसे पहले मैंने इनको थायराइडियन दिया, चक्कर काफी आ गए थे, जल्दी जल्दी लेने को बोला इनको मैंने 30 पावर में। साथ में दर्द बहुत था बॉडी में, तो मैकफॉस दिया, और साथ में उसके बाद मैंने इनको कोनियम दिया, स्पॉन्डिन दिया मैंने इनको, आरएस भार्गव का 15 से 20 बूंदें 3 से लेकर 6 बार लेने को बोला, तो काफ़ी अच्छा इनको फील हुआ। फिर लगातार इनको मैकफॉस, कैल्क्रियाफॉस और स्पॉन्डिन लगातार चलती रही, बीच में कोनियम मुझको बीच में देनी पड़ी, तो आज पेशेंट काफ़ी ठीक हैं। और ये इनने जो बताया हुआ है, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिला यहाँ से। नए वीडियो के साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।